हेलो गाइस, मैं हूं मिसेस सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल फैशन विद डीआईवाई में। और आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी एक साड़ी से बना हुआ आउटफिट जो कि मैंने प्लेन साड़ी से क्रिएट किया है। तो चलिए देखते हैं। साड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और मोस्टली सभी के पास प्लेन साड़ी है, क्योंकि ये अभी कुछ टाइम पहले फैशन आया था, ट्रेंड चला था, जिसमें कि सभी के पास प्लेन साड़ी थी। और अभी भी कुछ लोग प्लेन साड़ियाँ वियर करते हैं, जैसे कि मैं, मुझे प्लेन साड़ी पहनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा चमक धमक इस टाइप की साड़ियाँ नहीं पसंद हैं। तो मेरे पास ये कुछ इस ये वाले कलर की मेरे पास साड़ी थी, जिसको मैंने एक गाउन में कन्वर्ट किया। उसका पिक्चर मैं आपको दिखा दूंगी, लगा दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। पहले मैंने उस साड़ी का यूज़ गाउन में किया, फिर गाउन को मैंने दो तीन बार पहना, इसके बाद फिर मैंने उस गाउन को यूज़ करके ये वाले आउटफिट को क्रिएट किया है। तो चलिए मैं आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ कि ये आउटफिट मैंने कैसे बनाया है। तो ये है वो आउटफिट, फ्रॉक या कुर्ती आप जो भी बोल सकते हैं। तो ये मैंने उसी साड़ी से क्रिएट किए। और मैं आपको साड़ी कैसे बताऊँ, आप देखकर ही समझ सकते हैं कि साड़ी जो थी कुछ प्लेन इस टाइप की साड़ी थी, पूरी प्लेन साड़ी थी। तो उस साड़ी से मैंने इसको क्रिएट किया है। पहले ये गाउन था जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये गाउन था। फिर गाउन को पहन पहन के मैं बोर हो गई थी, क्योंकि हर जगह हम उसको वियर नहीं कर सकते या पूरा दिन भर भी उसको पहनकर नहीं रह सकते, इसलिए मैंने उसको इसमें कन्वर्ट किया। तो ये मैंने इसका बैक गला बनाया है जो कि इस टाइप का है, और ये मैंने फ्रंट नेक बनाया है, और इस टाइप का ये मैंने इसमें कुछ भी लाइनिंग का यूज़ नहीं किया है। सिर्फ मैंने ऊपर के पोर्शन में लाइनिंग का यूज़ किया है, जो कि कॉटन का ही कपड़ा है। और इस टाइप से मैंने इसको क्रिएट किया, क्योंकि मेरा पूरा गाउन बन चुका था, बना हुआ ऑलरेडी था, तो उसमें से इसको निकालना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, बट मैंने इसको निकाला। ये पूरी तरीके से ये वाला पोर्शन तो हम लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी इस तरीके का घेर था। और ऊपर का पोर्शन को मैंने उसी ओरेप, जो मेरा ओरेप घेर था गाउन का, उसी में से मैंने इसको बनाया। और इसके साथ ही मैंने इसका सेम मैचिंग का पैंट बनाया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो वो भी मैंने उसी घेर से क्रिएट किया है। तो ये कुछ इस टाइप का मैंने पैंट क्रिएट कर लिया है, क्योंकि ओरेप का जो आप घेर गाउन का था मेरा, वो एक्चुअली ओरेप में था, उसको मैंने सर्किल में कट किया था। तो जब मैं उसको कट करने के लिए मैंने उसको यूज़ किया, तो पूरा फैब्रिक जो है ओरेप में आ रहा था, खिंचा खिंचा टाइप का, तो उसी में मैंने इसको बना लिया है। और बन भी क्या है, और मैं आपको अब इसको ट्राई करके दिखाऊंगी। वैसे हम लोग के पास प्लेन साड़ियाँ रहती हैं, आप इस टाइप का कुछ यूनिक से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आप इसको कई सारे डिज़ाइन में भी आप क्रिएट करवा सकते हैं, अगर आप खुद करते हैं तो अच्छा है। वैसे मैंने अपना स्टिचिंग करना लॉकडाउन में स्टार्ट किया था, इससे पहले मुझे कुछ खास स्टिचिंग नहीं आती थी, तो मैंने लॉकडाउन का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया। मेरे पास जितनी पुरानी साड़ियाँ थी, जितने भी पुराने कपड़े थे, सबको पहले मैंने एक्सपेरिमेंट कर करके कट किया। इवन अभी तक भी मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। इससे क्या होता है कि आप खुद अपने चॉइस का किसी भी डिज़ाइन का कपड़ा आप अपने लिए बना सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा कपड़ा बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, पैसा भी वेस्ट होता है। अगर पुराने कपड़े तो ठीक है, अदरवाइज़ आप कतरन मार्केट से आप जो है कट पीस लेके उसको ट्राई कर सकते हैं। तो मैं जनरली साड़ी में ही अपना ट्राई करती रहती हूँ, इससे ये मुझे कॉस्टली नहीं पड़ता है। और इसको मैं कुछ दिन पहन भी लेती हूँ तो थोड़ा सुकून भी मिल जाता है कि चलिए
इतनी मेहनत की है तो चलो बन गया है तो पहन लेते हैं और अच्छा भी बन जाता है। तो ये मेरा आउटफिट, ये मैंने नीचे में इसको फोल्ड कर दिया है। अब जब इसको मैं आपको पूरा वियर करके दिखाऊंगी तब आपको इसका लुक समझ में आएगा। मेरा ये आउटफिट पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलना। फिर एक नई DIY वीडियो के साथ मैं आपको मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।